जिजी हाँ 700 करोड़ को नुकसान होगा। कौन को? तुम्हारा? हमारो हम पे धरे 700 करोड़, हम पे 1 करोड़ नहीं है। तो कौन को होगा? अरे जनता के पैसा है? जनता के 700 करोड़ को नुकसान होगा। काय में? ये तुम्हें नहीं पता? कहाँ कहाँ बताओ तो। अरे उज्जैन के महाकाल परिसर में 700 करोड़ रुपया खर्च करके मूर्तियाँ बनाई थी, स्थापित हुई थी। कौन की? अरे 7 ऋषियों की। अच्छा हाँ हाँ। और आंधी आई और सब 6 ऋषियों की मूर्ति सब गिर गई, खंडित हो गई। हाय राम, एमपी में तो शिवराज को शिव को राज है। शिव के राज में शिव के मंदिर में बनी मूर्ति वे खंडित हो गई, तो शिव को राज चल रहा है ना। जाने जिज्जी, इतने बड़े घोटाला होगा तो। जाने जिज्जी बताओ कैसी मूर्ति बनाई, कैसो निर्माण कर रहे। अपने मोदी जी उद्घाटन कर भी आए थे। महा उद्घाटन ढोल बाजन के संग तो उत्सव बहुत पूरा। और जिज्जी जो तो कोई पार्टी की है अपने शिवराज जी, तो कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं मोदी जी जो ही कह रहे हैं, और शिवराज जी भी नहीं के एकदम पद चिन्हन पे है, कह तो वे जो ही है भैया। आपकी मूर्ति गिर गई जो देख के तो ना लग रही है। बताओ जरा। हाय राम, देखो तो तना कैसो हाल भाव। जिज्जी पहली आंधी में ही जी गिर गई तो बिन्नू, अब जो दूसरी आंधी आएगी ना तो जो सरकार गिर जाए। हो जिज्जी, हमें तो जो ही लग रही थी बड़ा घोटाला, जनता देख ना रही का। जिज्जी जनता को पैसा, तुम कैसे निर्माण कार्य कर रहे हो? ये ऐसे तुमने जो मूर्ति गिर गई, कल को तुम आपको छू और मैं घोटाला होएगो, कब नो घोटाला सहेंगे सब। बताओ जिज्जी क्या करें, बहुत ही बुरे। ओके से कुत्ते पैसा खर्च कर भगवान के मंदिर में, भगवान से धोखा कर दो इन औरन ने। जाने जिज्जी, सोच सोच के हमारी तो आ रहे।